उसी प्रकार से शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद और किशनगंज में भी जो नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए हैं उनके लिए पदों का सृजन किया गया है। उसके डिटेल्स आपको दे दिए गए हैं, जो संख्या है इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं रहा। उसी प्रकार से अरवल, सिवान, गोपालगंज और समस्तीपुर में जो भी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय है वहां भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का सृजन आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृत की गई है। संसदीय कार्य विभाग के द्वारा जो 191 सत्र है उसके 17 वसन के प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। श्रम संसाधन विभाग की दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, एक है संकल्प, उस योजना की स्वीकृति और समय समय पर उसके लिए जो भारत सरकार से राशि प्राप्त होगी उसके व्यय करने की स्वीकृति, और इसी प्रकार से एक शत प्रतिशत भारत सरकार के द्वारा संपोषित योजना है स्ट्राइव, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, उस योजना की भी स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है और इससे जो शत प्रतिशत राशि होगी वो भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो राजकीयकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके जो सहायक और शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं उनको MACPS 2010 के तहत वित्तीय उन्नयन देने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति है।